गाइस, अगर आपका जो शिपमेंट है वो लार्ज है या वेट उसका बहुत ज़्यादा है, जैसे 20 kg, 30 kg, 10 kg, 5 kg, 50 kg और इससे भी अबव, तो आपको चाहिए एक रिलायबल कुरियर जो एकदम चीप रेट में आपका जो पार्सल है वो इंडिया के किसी भी कोने पे डिलीवर करे। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा कुरियर बेस्ट रहेगा हैवी वेट शिपमेंट के लिए या लार्ज शिपमेंट के लिए। सो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें आपको रजिस्टर कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, पेमेंट कैसा होता है, सबसे कम शिपिंग कॉस्ट क्या है और रिलायबल सर्विस। सो गाइस, अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है सो थैंक यू सो मच। मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ कोरियर के साथ टाई अप किया है, और उनमें से दो कोरियर कंपनी है, फेडेक्स और गति। गति और फेडेक्स इंडिया में पॉपुलर है आपका हैवी वेट बल्क शिपमेंट कैरी करने के लिए। अगर आपका शिपमेंट 10 kg, 15 kg, 20 kg, 100 kg, इतना वेट का शिपमेंट है, तो ये जो दो कोरियर है सबसे बेस्ट प्राइस में आपको हैंडलिंग करता है आपका शिपिंग शिपमेंट का। लेकिन इनका कुछ नेगेटिव साइड भी है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, और वीडियो के एंड में मैं थोड़ा इंडिया पोस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा गाइस। सो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। गति और फेडेक्स आपको जो पैसा चार्ज करती है वो वेट के हिसाब से, लेकिन ये कोरियर में कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। जितना आपका जो आइटम है शिपमेंट है उसका वेट ज़्यादा होगा, कोरियर का शिपिंग कॉस्ट उतना ही कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, फेडेक्स में अगर आप कोई 3 kg का शिपमेंट भेज रहे हो तो उसमें आपको मान लीजिए 30 rupees kg लगता है फेडेक्स में, ओके। लेकिन अगर आप कोई 10 kg का प्रोडक्ट भेजोगे तो वो आपका जो 30 rupees kg लग रहा था वो कम हो के आपका आ जाएगा 15 rupees के अंदर आ जाएगा। तो इसमें जितना ज़्यादा आप वेट का शिपमेंट भेजेंगे उतना आपको प्राइस कम हो जाएगा। और गति में भी सेम पॉलिसी है, आप अगर कोई 3 kg, 4 kg का शिपमेंट भेजेंगे तो आपको 30 rupees, 40 rupees लगेगा, लेकिन जब आप 5 kg या उससे ज़्यादा जाएंगे, 10 kg, 20 kg, तो आपको शिपिंग कॉस्ट कम होते होते 7 rupees, 10 rupees, 12 rupees तक भी आ जाता, 12-7 rupees तक भी आ जाता है गति में, और फेडेक्स में भी आता है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है, जो कस्टमर आपका है जिनको आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे उनको भी कम शिपिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो भी आपसे जो प्रोडक्ट है वो बल्क में परचेस कर पाएगा, और इससे आपको भी बेनिफिट है, आप कम शिपिंग कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट डिलीवर कर पाएंगे डिफरेंट लोकेशन इन द कंट्री। सो गाइस, गति और फेडेक्स का शिपिंग कॉस्ट ऐसे डिसाइड होता है, जितना आप ज़्यादा शिपमेंट वेट आपका होगा उतना कम आपको शिपिंग कॉस्ट। लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे फेडेक्स और गति के साथ तो आपको ये बातें उनको बताना पड़ेगा, तभी वो आपको रेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनका रेट होता है पहले ये डिस्कस कर लेता है आपसे, नेगोशिएट आपको करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो जब आप कोई शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको दिखा देगा कि इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक जाएगा, इतना वेट है शिपमेंट का, आपको इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया शिपिंग का, प्राइसिंग का। अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अकाउंट ओपन करने के लिए फेडेक्स में और गति में आपको चाहिए पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपका आधार कार्ड, आपका जीएसटीआईएन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फेडेक्स और गति में अकाउंट ओपन करने के लिए, जीएसटी के बिना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ओके। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ एग्रीमेंट साइन कराता है, तो वो आपको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, और एग्रीमेंट में लिखा रहता है, मैंने जो नेगेटिव बातें आपको बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक नेगेटिव साइड है वो है, उनकी जो एग्रीमेंट होता है गाइस उसमें आपको एक एक्सेल शीट में पिन कोड रहता है, तो उसमें ये लिखा रहता है, मान लीजिए मेरे पिन कोड से दूसरी जो पिन कोड मैं भेज रहा हूँ, अगर उस पिन कोड तक फेडेक्स का या गति का सर्विस है तो आपको जो शिपिंग कॉस्ट दिख रहा है, मान लीजिए आप 10 kg का कोई शिपमेंट भेजेंगे मेरे पिन कोड से दूसरे पिन कोड पे, तो उसमें आपको लगेगा मान लीजिए 10 kg की शिपमेंट में 100 rupees आपको लग रहा है, लेकिन अगर उस पिन कोड में फेडेक्स का सर्विस नहीं होगा तो उस हिसाब तब आपको जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा, मान लीजिए 2000 भी लग सकता है, या ऐसा रैंडम वो आपका शिपिंग कॉस्ट लगा देता है। तो इसीलिए हर बार जब भी आप कोई शिपमेंट क्रिएट करेंगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक्सेल शीट में चेक करके कि वहाँ पे फेडेक्स का या गति का सर्विस है या नहीं है। तो ये है इनका, और एक पॉजिटिव साइड भी है, ये लोग आपको कुछ 5000 तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको 5000 रुपीस लौटा देता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्ट की वैल्यू है तो इन्वेस्टिगेशन होता है और उस हिसाब से आपको रिफंड मिलता है। कोरियर का जो या फेडेक्स और गति, इनका जो बिलिंग होता है, बिलिंग मीन्स जो प्रोडक्ट आप शिप करेंगे और जो भी पैसा है उसके ऊपर लगेगा, तो ये आपको मंथ की एंड पे पे करना होगा। और मंथ के एंड पे तभी आप पे करेंगे जो कोरियर कंपनी है उनकी तरफ से आपका एड्रेस पे बिल आता है, और बिल में हर AW के हिसाब से कितना पैसा लिया उस हिसाब से वेट के साथ वो लिखा रहेगा। तो आप चेक करेंगे एक एक करके, और चेक करने के बाद आप देखेंगे अगर वहाँ पर कोई शिपमेंट का डबल नहीं हो रहा या कोई ज़्यादा वेट डाल के तो पैसे नहीं लिया, तो ये सब आप चेक करेंगे। और जिस दिन आपको बिल रिसीव होता है उससे 10 दिन का टाइम लेता है पैसा पेमेंट करने की। अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है, तो और आपके घर में भी आपकी जो एड्रेस है उसमें लोग भी आ सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो ये सब आप पेमेंट सही तरीके से करिए। जिस एड्रेस पे आपका कुरियर कंपनी नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन आपको बल्क शिपमेंट भेजना है, बल्क वेट वाला, तो आप उसमें इंडिया पोस्ट से भेजिए। रिलैक्स इंडिया पोस्ट का पार्सल सर्विस यूज़ करिए, बेस्ट होगा आपके लिए। हम भी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, आप ट्रैक भी कर पाएंगे। तो गाइज ये है प्रोसेस। और कुरियर कंपनी जो गति और फेडेक्स है इनके साथ टाई अप करने के लिए आपको पहले एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपकी एड्रेस पे सर्विस रहेगा तो विद इन 7 days आपका अकाउंट को चालू कर देता है, अगर आपका जो पेपर वर्क है वो सब सही रहेगा। अच्छा, एक और, आपका बैंक अकाउंट का जो है डिटेल्स वो भी आपको कुरियर को देना होता है, वो मैंने नहीं बताया था। तो और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा गति और फेडेक्स का, उसमें आप सीधा क्लिक करेंगे तो कुरियर की वेबसाइट में जाके वहाँ पे जो जो डिटेल्स आपसे पूछा गया है वो आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, तो कुरियर कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।